तीसरा कुओं का, चौथा चापा का। हम अभियान की बात करते हैं तो अभियान वैसा जो कि जनमानस को छुए, अंतःकरण को छुए, विचारों को बदले और जेहन में इस तरीके से शामिल हो जाए कि इसके सभी अवयवों पर, 11 अवयव हैं आप सभी जान रहे हैं, 15 विभाग हैं हर कोई जानता है, तो ये सभी अवयव सभी काम जनमानस तक पहुंच जाए, अंतःकरण में चले जाएं, सबकॉन्शियस में आ जाएं। तो इसी के लिए दिवस की अवधारणा भी रखी गई है। दिवस मतलब कि सभी विभाग आज के दिन फिर से खुद का सेल्फ रिव्यू करते हैं कि हमारे से संबंधित जो भी काम इस अभियान में होने हैं वो काम हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं, और आज के दिन हम लोग प्रचार प्रसार जो कि 11वां अवयव है उस पर चर्चा के लिए यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हैं। सबसे पहले तो इस अभियान के जो अवयव हैं उनकी चर्चा हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं, मुझे उम्मीद भी है कि इन सभी अवयवों का क्रम से एक से लेके 11 तक की सभी लोग जानकारी रखते हैं। आज हमने अपने सूचना भवन में भी, नीचे से आप लोग आए हैं, आपने देखा होगा कि हर अवयव के बारे में सूचना पट पर बातें अंकित की हैं। जैसे कि मिशन के द्वारा बताया गया है तो अवयववार हम पहले इसकी संरचना देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे अपनी बात को रखेंगे। तो आप सभी लोग जान रहे हैं अवयव एक जो है, कोई बताएगा, सभी लोग बैठे हुए हैं, यदि उसी सीक्वेंस में हम लोग चलें तो सबसे पहला अवयव कौन सा है? सबसे पहला अवयव सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं में जी यदि कोई अतिक्रमण है तो उसको चिन्हित करना है और उसको हटाना है, पहला अवयव। दूसरा अवयव है कि जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार करना है। तीसरा कुओं का जीर्णोद्धार करना है, चिन्हित करना है, सार्वजनिक जो भी कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार करना है। चौथा चापाकलों पर और बाकी जो हमारे जलदायी स्रोत हैं उनके निकट में सोखता का निर्माण करना है। पांचवा चेक डैम का निर्माण करना है, वैसी जगहों पर जहां पर छोटी छोटी नदियां हैं, नाले हैं, उन पर चेक डैम का निर्माण करना है। छठवा नए जल स्रोतों का सृजन भी करना है, यदि कहीं पर रिक्वायरमेंट है, जल संग्रहण क्षेत्र भी है तो वहां पर नए जल स्रोत हम लोग बनाएं और साथ ही जहां पर अधिक जल है उस अधिक जल को वैसी जगहों पर लेके जाएं। आप सभी लोग जानते हैं जो अभी पिछले साल योजना का उद्घाटन हुआ, गंगा जलापूर्ति योजना, वो इसी अवयव से संबंधित थी, जो कि देश में अपने आप की अभूतपूर्व योजना है जिस पर काम इस राज्य में हुआ है। सातवा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सरकारी सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं का निर्माण बिल्डिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है। आठवां बहुत ही महत्वपूर्ण, हम सबसे संबंधित, जिस पर कुछ चर्चा भी आज होनी चाहिए, सातवां है पौधशाला। आप देख रहे हैं इस पूरे हॉल में पौधे रखे गए हैं, पौधशालाओं का निर्माण करना और उसके साथ में सघन वृक्षारोपण करना। नौवां कृषि से संबंधित है, वैकल्पिक कृषि, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए वैकल्पिक कृषि के क्या क्या हमारे पास में विकल्प हो सकते हैं उनको जानना और उनको क्रियान्वित करना। दसवा फिर हम सबसे संबंधित, हर एक से संबंधित, वो है सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना, उसके साथ ही ऊर्जा का संरक्षण, उसको सेव करना, कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना। बिजली की बात करें तो हम सब लोग ये कर सकते हैं। और फिर 11वां जो है वो आज का दिन, वो हम लोगों से संबंधित सभी से प्रचार प्रसार, चूंकि अभियान है और अभियान तभी सफल होगा जब इसकी जानकारी हम लोग हर तरीके से और सब तक भेजते रहेंगे। तो ये 11 अवयवों की एक एक क्रम में सभी लोग दिन भर में याद सोचें अपने से संबंधित क्या कर सकते हैं, और कोई अभियान जहाँ पर हम लोग जनमानस को कहें कि भाई इस तरफ में कदम बढ़ाइए, तो पहला कदम कहाँ से शुरू होना चाहिए, वो खुद से शुरू होना चाहिए। और इसमें अवयव 8 और अवयव 10 की सीधी सीधी भूमिका है जो हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। अभी बात हुई थी अवयव 8 जहाँ पर हम लोग पौधारोपण की बात करते हैं, तो पौधारोपण कहीं भी हो सकता है, घर में, स्कूल में, आपके आसपास के सोशल स्फीयर में, जहाँ भी मौका मिले और जो भी अवसर मिले, अवसर बहुत होते हैं, जन्मदिन है, कोई विशेष दिन है, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम है, कुछ भी है, तो वहाँ पर सबसे पहले
जब हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं तो पौधारोपण की हम लोगों को जरूर काम और ये कार्रवाई करना चाहिए। और दसवां, जहाँ पर बिजली की बचत है, अनावश्यक हम लोग बिजली खर्च ना करें, जहाँ तक संभव हो यदि व्यक्तिगत सामर्थ्य है तो सोलर ऊर्जा का उपयोग भी करें और अदरवाइज अपने घरों में बिजली का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण करें ताकि खपत कम हो। तो ये सब चीज़ें खुद से स्टार्ट होती है, जब खुद में हम लोग इसको अमल में लेके आए उसके बाद फिर हम लोग अपने सोशल सर्किल में बढ़ें। बहुत जगहों पर हम लोग एकत्र होते हैं तो वहाँ पर भी इनका, इन बातों का कहीं ना कहीं पर जिक्र हो। क्यों हो? क्योंकि जल जीवन हरियाली एक युग्म है, खाली जल की बात नहीं हो रही, खाली हरियाली की बात नहीं हो रही है, जीवन इसमें जुड़ा हुआ है और जीवन आज भी और जीवन कल भी और जीवन सबका, जीव जंतुओं का भी और हम सब लोगों का भी। तो ये सब प्रचार प्रसार से संभव है और अपने उदाहरण से भी संभव है। और जैसे कि इस अभियान की रूपरेखा को रखा गया है तो आप लोग सभी देखेंगे कि जो 11 अवयव हैं, ये 11 अवयव सार्वभौमिक हैं, मतलब हर तरीके से, इस तरीके से इसका सूत्रपात किया गया है कि कोई भी अवयव नहीं छूटा है। और जो हमारे पुरातन और हमारे परंपरागत साधन रहे हैं जैसे कुआ है वो भी इसमें शामिल है, और नवीनतम जो हो सकता है जैसे सोलर लाइट है, जैसे वैकल्पिक कृषि है, वो भी इसमें रखा गया है। तो सार्वभौमिक है और समय में देखें तो आज से लेके आगे आने वाली पीढ़ियों तक के लिए है। गंगा जलापूर्ति योजना का जब सूत्रपात हुआ तो इसका प्लान इस तरीके से किया गया कि ये 2050 तक की आबादी को ख्याल में रखकर किया गया है। तो सार्वभौमिक भी है, समय के साथ में है, आगे आने वाली पीढ़ी के संदर्भ में है। तो ऐसे अभियान तो नितांत आवश्यक हैं जो कि अस्तित्व से सीधे सीधे कनेक्टेड रहते हैं। अब प्रचार की यदि बात करें तो थॉट्स जो हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, ये किसी भी प्रचार का टारगेट होना चाहिए, होता भी है। और ये कोई नई बातें भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आम लोग इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। सबको पता है कि पानी अनिवार्य है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। सबको पता है कि ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए ताकि आने वाला कल बेहतर हो सके। बट फिर भी इन सब विचारों को जब हम लोग बार 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 लोगों के सामने लेके आते हैं तब फिर एक्शन की तरफ में बात आती है, जो अभियान को सारगर्भित आगे बनाती है। तो प्रचार प्रसार के तौर पर हम लोग अपने विभाग से बहुत तरह की कार्यवाहियाँ पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिसमें प्रिंट माध्यम है, अखबारों में हम लोग न्यूज़ के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से बातों को सब तक लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, टीवी है, रेडियो है, डिजिटल माध्यम जो आज का काफ़ी सशक्त माध्यम है उस पर भी हम लोग सभी बातों को, अवयवों को, उपलब्धियों को आगे लेके जाते हैं। सोशल मीडिया है, उस पर हम लोग पहले भी कैंपेन किए हैं, कैंपेन आगे भी जारी रहेंगे। इन सभी माध्यमों के बारे में आगे आने वाले हमारे विभागीय वक्ता अपनी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन चूंकि छठ का पर्व की छठ पर्व है, उसके जो अवयव हैं, छठ के पर्व को हम लोग जिस तरीके से मनाते हैं वो हमारे इस अभियान के लगभग सेम ये अवयवों को, उनके तत्वों को, उसकी स्प्रिट को सामने रखता है। छठ का पूरा पर्व जो है वो पूरे पर्यावरण से सीधा सीधा नाता रखता है, अभियान भी वैसा ही है। तो कहना ना होगा कि हम अपने राज्य में आम आदमी, हर कोई व्यक्ति इन सभी बातों को आत्मसात करके तो रखे हुए हैं और इस छठ के अवसर पर हम लोग इस अभियान को और आगे लेकर जाएंगे, छठ से सीधा इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, सोशल मीडिया कैंपेन भी हम लोग करेंगे। तो छठ के साथ में जब भी बात होगी छठ की तो हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान की बात भी रखेंगे, क्योंकि दोनों का नाता ऑर्गेनिक है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोगों को इस दिन की मैं फिर से बधाई देता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद।